Welcome to the Rotella classes. Dear student, the exams are round the corner, so abhi main aapko jaldi jaldi se notes dene ki koshish karunga ki so that we can wind up our syllabus in timely. So today's the new chapter, the second one is federalism. Federalism power sharing se hi connect hota hai seedhe seedhe. So question jo isme aata hai, what is federalism and what are its features? Ye bahut hi important question hai. Isme सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है कि व्हाट इज फेडरलिज्म. तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स ऑफ द कंट्री. समझ गए होंगे आप कि पावर को शेयर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में. उसी को हम फेडरलिज्म, इस तरीके की जो गवर्नमेंट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसे फेडरलिज्म कहते हैं. इसके फीचर्स होते हैं, 7 फीचर्स हैं इसके. पहला फीचर है, देर आर टू और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट. टायर मतलब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. सेकेंड है, डिफरेंट टायर्स इन डिफरेंट लेवल्स गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज इट्स ओन ज्यूरिस्डिक्शन. मतलब ये कहने का है कि डिफरेंट टायर्स गवर्न द सेम सिटीजन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत. अगर कोई गाँव का रहने वाला है तो पंचायत भी उसको गवर्न करती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का भी वो नागरिक होता है. लेकिन सभी जो कंसर्न बॉडीज हैं, डिफरेंट टायर्स हैं, उनके अपने जुरिस्डिक्शन है, अधिकार क्षेत्र हैं. जुरिस्डिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र होता है. उसके बाद तीसरा फीचर है, जुरिस्डिक्शन ऑफ ईच लेवल्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, सबका जुरिस्डिक्शन कि किसका कितना अधिकार क्षेत्र है वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है, तो कोई किसी को ओवरपावर नहीं कर सकता है. इसलिए सबकी अथॉरिटी जो होती है, यानी पावर्स जो हैं, वो हर टायर की सिक्योर की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में. तो ये नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, इसका ध्यान से आप देखिएगा. चौथा फीचर इसमें होता है, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड. फंडामेंटल राइट्स जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ ओन चॉइस, लाइक दिस. ये इस तरीके के जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, कैन नॉट बी चेंज्ड अलोन बाय एनी टायर. स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों उसको अकेले कोई उसको रिमूव नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, ऑल्टरेशन नहीं कर सकता. उसके लिए दोनों का, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट होना जरूरी होता है. ये हो गए 4 फीचर्स. उसके बाद है, सुप्रीम कोर्ट वर्क्स एज ए अंपायर बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल सेट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सेटल करता है. नेक्स्ट है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है, मतलब रेवेन्यू कहाँ से आएगा, किस तरीके से आएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग स्पेसिफाई किए गए हैं कि कहाँ से ये, जैसे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जिसे हम कहते हैं, टैक्सेशन वगैरह अलग अलग होते हैं टैक्सेस हर स्टेट के, तो स्पेसिफाई किया गया है रेवेन्यू मतलब टैक्सेस. लास्ट फीचर इसका, 7th फीचर, फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स. डुअल मतलब दो ऑब्जेक्टिव होते हैं. ऑब्जेक्टिव होता है उद्देश्य. फेडरल सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया है? तो पहला है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री. कंट्री की यूनिटी भी बनी रहे. और दूसरा है, टू अकोमोडेट. स्टेट इसलिए बनाए गए हैं, स्टेट्स को इसलिए पावर दी गई है कि वो अपने कल्चर, अपने को रीजनल डाइवर्सिटीज जिसे हम कहते हैं, वो अकोमोडेट कर सके पूरा कंट्री, यानी प्रिजर्व कर सके हम उनकी रीजनल डाइवर्सिटी को, उनके कल्चर को. जैसे केरला है, जम्मू एंड कश्मीर है, यूपी है, उत्तराखंड है, इधर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, सबके अलग अलग कल्चर होता है, वो प्रिजर्व करना जरूरी होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि फेडरलिज्म या फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, वो इट इज़ ऑल अबाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो ये आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये आपके लिए और आगे के नोट्स में फिर आपके लिए लाऊंगा. थैंक यू.